अच्छी सोच अच्छी अप्रोच। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है नीलम ग्रोवर के इस मोटिवेशनल चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक डिसीजन मेकिंग पर कहानी। दोस्तों एक बार एक मम्मी पापा एक बहुत छोटा बच्चा जो कि कुछ महीनों में ही था वो रहते थे और उन्होंने एक नेवला जिसका नाम मांगूस था उसको पाल कर रखा था। जो बच्चे के पिता होते थे वो रोज़ सुबह काम पे जाया करते थे। ऐसे ही माँ जो थी एक दिन उसे भी काम पर बाहर जाना था तो उसने अपने जो घर में पालतू नेवला मांगूस था उसको कहा कि आज मैं बाहर जा रही हूँ तुम मेरे बच्चे का ध्यान रखना, मैं थोड़ी ही देर में वापस आ जाऊँगी। अब जब माँ अपना काम ख़त्म करके वापस आती है तो देखती है जो मांगूस है जो नेवला है उसके मुँह पर खून ही खून लगा था। वो देखकर माँ हैरान हो जाती है और मन ही मन सोचने लगती है कि आज तो इस मांगूस ने मेरे बच्चे को खा लिया है। एक स्टिक लाती है, डंडा लेकर आती है और नेवले की पिटाई करती, इतनी पिटाई करती है कि उसको जान ही ले लेती है। और जब अंदर जाती है डरे हुए मन से और सोचती है कि आज तो मेरा बच्चा है ही नहीं, शायद ख़त्म हो गया है, लेकिन जब अंदर जाती है तो क्या देखती है, बच्चा तो ठीक है लेकिन बच्चे के बेड के सामने एक सांप जो है मरा पड़ा होता है। उसी टाइम जो वो जो उसकी बच्चे की मम्मा है उसे रियलाइज़ हो जाता है कि ये मैंने क्या कर दिया, मांगूस ने तो मेरे बच्चे की जान बचाई और मैंने मांगूस की जान ले ली। दोस्तों हम भी ऐसे ही करते हैं अपनी लाइफ में, बिना सोचे समझे डिसीजन ले लेते हैं और बाद में उसके लिए हमें पछताना पड़ता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा और ऐसे ही वीडियो को सुनने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई